Assalamualaikum, hello everyone, welcome to my another video. तो आज मैं आपके लिए बड़े ही क्रिस्पी, करारे, मज़ेदार, चटपटे, मसालेदार बीफ के कीमे के कबाब लेकर आई हूँ, जिसकी रेसिपी है बड़ी ही ज़बरदस्त. तो देखिए, उसके लिए हमें चाहिए 1/2 kg कीमा बीफ का, जिसे मैंने वॉश कर लिया है. 2 tablespoons यहाँ मैंने चना दाल लिया है, जिसे 20 से 25 मिनट मैंने इसे सोक कर लिया था, क्योंकि सोक करने से इसका खस्तापन जो है ना, वो बड़ा ही मज़ेदार सा निकल कर आता है. 1 मैंने ली है अनियन, रफली चॉप कर लिया था. 1 गार्लिक लिया है. ये मैंने लिया है कबाब का मसाला, जो हम घर में बनाकर तैयार करेंगे. 1 तेज़पत्ता है. 1 teaspoon है ब्लैक पेपर. 4 से 5 लौंगें. 1 बड़ी इलायची. 1 teaspoon ज़ीरा. कुछ सिनेमन स्टिक के टुकड़े हैं. 2 हरी इलायची हैं. और 1.5 teaspoon है साबुत धनिया, यानी कि कोरिएंडर सीड्स. तो ये हमने ले लिया है. और चिली फ्लेक्स लिए हैं हमने 2 teaspoons. तो ये सारा मसाला लेकर हम इसका बना लेंगे पाउडर. और देखिए, अच्छे से हमें इसे बारीक सा पीस लेना है और इसे रख लेना है साइड में. तो हम लेंगे कुकर. कुकर में हम डालेंगे वॉश किया हुआ कीमा, जो हमने लिया था. और इसमें मैं ऐड कर दूंगी चना दाल ऐड कर देंगे इसमें हम. और अब इसमें ऐड कर दूँगी मैं 1 अनियन, जो हमने ली थी. अनियन और गार्लिक को भी हम इसमें ऐड कर देंगे अच्छे से. और ये इतने ही कोई क्रिस्पी मज़ेदार बनते हैं. आपके यहाँ मेहमान आए या आप किसी कोई गेट टुगेदर करें, तो ये कबाब ज़रूर बनाइएगा इस तरह से. ये बड़े ही मज़ेदार बनते हैं. और देखिए, जो मसाला हमने बनाया था ना, पीसा था अभी, सारे खड़े गर्म मसाले, वो हमने सारे पीस लिए हैं, इसके अंदर ऐड कर दिए. 1 teaspoon हमने सॉल्ट भी ऐड कर दिया है. और कलर के लिए बहुत 1/4 teaspoon टर्मरिक ऐड कर दिया है पाउडर. और इसमें हम डालेंगे, और इसकी सारी चीज़ों को हम कर लेंगे मिक्स, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे. उसके बाद मैं इसमें ज़्यादा पानी ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि जो कीमा है वो भी पानी अपना रिलीज़ करेगा. तो 1/2 cup पानी इसमें मैं ऐड करूँगी, और इसमें मैं ज़्यादा पानी ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि हमारा कीमा ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए. चने की दाल एकदम खड़ी खड़ी रहनी चाहिए, तभी टेक्सचर अच्छा आएगा कबाबों का. तो इसमें 4 से 5 सीटियाँ ले ली हैं हमने. देखिए, इसमें पानी बिल्कुल नहीं है, और ये चना दाल भी और कीमा भी अच्छे से जो है वो गल चुका है. देखिए कैसे बिखरे बिखरे से हो रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं, ज़्यादा ओवर ये कुक नहीं हुए हैं. तो अब हम इन्हें कर लेंगे ठंडा. ठंडा करके हमने इन्हें पीस लिया है. अभी ये गर्म है, तो इसे हम रख देंगे 10 मिनट के लिए, रेस्ट देंगे इसे, ठंडा होने के लिए रख देंगे फ्रिज में. और देखिए, हमने इसे ठंडा होने के लिए रख दिया है. और अब हम इसकी करेंगे मिक्सिंग, और इसमें जो सारे हमारे मसाले हैं वो सब जाएंगे. तो देखिए, यहाँ मैंने ली हैं मीडियम साइज़ की 3 अनियन ली हैं, जिसे मैंने चॉप कर लिया है. कोरिएंडर लिया है. 3 से 4 ग्रीन चिली ली हैं, और बारीक बारीक कट करके हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है. और कोरिएंडर आप ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है कबाबों में. और देखिए, हमने नमक पहले भी यूज़ किया था, सिर्फ 1/2 teaspoon में इसमें नमक डालूंगी. इसमें नमक बिल्कुल ठीक था, इतना ही जाना था इसमें. तो 1/2 teaspoon नमक डाल दिया, और 1 teaspoon रेड चिली पाउडर. और ये सारे मसालों को हम मिक्स कर लेंगे कबाबों में बहुत अच्छी तरह से, और 10 मिनट के लिए हम इसे फ्रिज में रख देंगे ठंडा होने के लिए, ताकि कीमा सेट हो जाए ठंडा कर, तब हम इसके कबाब बनाकर तैयार करेंगे. और देखिए, ये जो है ना कबाब, इतने टेस्टी और इतने क्रिस्पी बनते हैं, इनकी शक्ल ही अलग निकल कर आती है. और देखिए, इसके अंदर हम 1 egg भी ऐड करेंगे, और एग को हम इसमें ऐड कर दिया है. और एग भी डालकर इसकी हम कर देंगे अच्छे से मिक्सिंग. और जो है ना, इससे एग डालने से कबाब टूटते नहीं हैं कभी भी, और कभी फटते नहीं हैं. जैसे कुछ लोगों की शिकायत होती है ना कि कबाब फट जाते हैं, बिखर जाते हैं, तो उससे जो है ना ये प्रॉब्लम भी दूर हो जाती है. और हमने इसे 10 मिनट के लिए रख दिया था फ्रिज में ठंडा होने के लिए. अब देखिए, ये बिल्कुल सेट हो चुका है कीमा, बहुत अच्छी तरह से ये सेट हो चुका है. तो अब हम इसकी जो हैं वो टिक्कियां बना लेंगे कबाबों की. देखिए कुछ इस तरह से, हर किसी को ही आती हैं खैर बनाना, लेकिन हर किसी का जो है वो अंदाज़ थोड़ा ढंग अलग होता है, तो इसलिए मैं बता देती हूँ कि मैं तो सिर्फ इस तरह ही बनाती हूँ. देखिए, इस तरह से इतने छोटे छोटे कबाब मैंने बना कर तैयार कर लिए हैं. ऐसे ही मैं सारे कबाबों को तैयार करके
और इसको अब हम करेंगे फ्राई। और ये आप चाहें बिरयानी से खाएं, वैसे ये कबाब जो है ना बिरयानी से बहुत अच्छे लगते हैं। बिरयानी की रेसिपी भी मैं आपको दे चुकी हूँ, मुरादाबादी बिरयानी है, बहुत सारी बिरयानियों की रेसिपी देख चुकी हैं। आप चाहें तो मेरे चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। और देखिए कितने मज़ेदार से हमारे कबाब बन गए, तैयार भी हो गए, मैंने बना लिए हैं। अब हम इसको करेंगे शैलो फ्राई। और कभी भी ना मैं जो कबाब हैं वो मैं कभी रिफाइंड में नहीं सेकती, मतलब शैलो फ्राई नहीं करती कभी भी मैं। तो देखिए मैंने एक पैन ले लिया है और इसमें मैंने डाला है मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल में आलू के पराठे हो गए, कबाब हो गए, बहुत ही ज़्यादा लाजवाब बनते हैं और हेल्दी भी होता है ये। तो देखिए यहाँ मैंने मस्टर्ड ऑयल ले लिया है, इसे पका लिया है और अब हम करेंगे इसे शैलो फ्राई। सारे कबाब को हम ऐड कर देंगे पैन में। और पहले मैं जो है ना एक साइड थोड़ा गैस की फ्लेम को हाई कर पकाऊंगी। मैं ऐसे ही कबाबों को फ्राई करती हूँ शैलो फ्राई, पहले मैं फुल फ्लेम पर फ्राई करती हूँ एक साइड से, और दूसरी साइड से ना मैं मीडियम फ्लेम पर फ्राई करती हूँ, ताकि जब वो सिक जाए ना तो दूसरी साइड से बहुत ज़्यादा मतलब क्रिस्पी हो जाए अच्छी तरह से, तो वो कच्चे नहीं रहते अंदर से। अब हम क्या करेंगे ना, हमने ज़्यादा हाई पे कर लिया तो वो कच्चापन दूर नहीं होगा और अंदर से कच्चे रह जाएंगे, ऊपर से जो है ज़्यादा सिक जाएंगे, तो इसलिए हमें मीडियम फ्लेम पर इसे फ्राई करना है। जब हम डालें तो हाई होनी चाहिए और जब वो एक तरफ से सिक जाएं तो हम मीडियम पर इसे शैलो फ्राई कर लें, तो ऐसे कबाब बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार अंदर तक सिक जाते हैं। देखिए कितने खूबसूरत और कितने लाजवाब हमारे कबाब लग रहे हैं और इतने ही टेस्टी ये बने थे। और देखिए हमने कर ली है प्लेटिंग और दही और ग्रीन चिली कोरिएंडर की चटनी के साथ इसे सर्व किया है। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं, मज़ेदार लगती हैं, आप इसे इंजॉय करते हैं, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मुझे अपना फीडबैक देना ना भूलें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, वीडियो को फुल वॉच करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।